हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल डी टी फॉर यू। आज आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। अच्छा, अनबॉक्सिंग किसकी करने वाला हूँ, आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि मैंने बोया का बाय M1 माइक ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ अपनी वीडियोज़ वो मैं फ़ोन से करता हूँ, और फ़ोन में डायरेक्टली मैं तो माइक्रोफोन भी नहीं लगाता, कुछ भी यूज़ नहीं करता जो फ़ोन का माइक्रोफोन हो भी। तो मैंने अपने लिए बोया का बाय M1 माइक ऑर्डर किया है। एक्चुअली उसके बारे में मैंने बहुत सुना था, तो उसको मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट के थ्रू, जो आ चुका है, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो आज आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या रिव्यू, उसका रिव्यू पूरा दूंगा आपको, और साथ में साउंड टेस्ट भी आखिरी में करूंगा। तो चले फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, आप मेरे चैनल को लाइक करें यार, लाइक करना बहुत जरूरी है, और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल जो घंटे का बटन है उसको दबा दें। चले फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब बोया बाय M1 का माइक जो है उसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हुआ था, ये देखिए। अब मैं इसको ओपन करता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, अब देरी किए बिना। जैसे उसको ओपन करते हैं अपन, इसको मैंने फाड़ लिया था पहले से, ओपन किया मैंने, तो आपको सबसे पहले दिखेगा ये इसका जो पैकेट है वो, इसमें लिखा हुआ है बोया लाइव लायर माइक्रोफोन माइक्रो क्रिएटिव। इसमें एक माइक का फोटो दिख रहा है, इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इधर भी देख सकते हैं आप, सेम है, कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ये तो आपको मैं बता दूंगा। ओके, चलो ये ओपन करते हैं इसको। ये ओपन जैसे ही करता हूँ मैं, तो सबसे पहले जो पैकेट बाहर आता है, सबसे अच्छा तो मेरे को पैकेट लगा यार, इसका लेदर का पैकेट है, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं। इसके अंदर और ओपन करता हूँ मैं, तो ये एक मैनुअल मिलता है, यूज़र मैनुअल, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर इसमें भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो। दूसरा आपको ये जो दिख रहा है, ये मैनुअल, ये यूज़र गाइड है मेरे ख्याल से। हाँ, यूज़र गाइड है, जिसमें आपको कैसे आपको स्मार्टफोन में यूज़ करना है, और कैसे आप टैबलेट में यूज़ करोगे, या फिर आपको कंप्यूटर में यूज़ करना है, उसके लिए इसमें यूज़र गाइड दिया हुआ है। इन दोनों को अपन साइड में रखते हैं अभी, और अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। ये सबसे पहले मेरे को ये लग रहा है माइक ही है, पूरा सेटअप है इसका। ये स्पंज का कुछ दिया हुआ है, देखते हैं वो क्या है बाद में। ये कुछ जैक दिया हुआ है, एक क्लिप है, और ये वारंटी कार्ड है, ठीक है। तो अब चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं पूरा। ये साफ दिख रहा है माइक है, बीच में इसका जो है मेरे को लग रहा है ये कुछ जैक बड़ा सा है, कंडेंसर कुछ है जो दिया हुआ है, और ये जो स्पंज है ये इसमें फिट करना है अपने को, तो इसको फिट कर लेते हैं अपन। तो जैसे ही मैंने स्पंज को लगाया, अच्छा स्पंज का काम क्या है, मेरे को लग रहा है ये ऑडियो को क्लैरिफिकेशन के लिए है, क्लैरिफिकेशन, और इसको लगाने से ऑडियो थोड़ा क्लैरिफाई होगा, इसलिए दिया हुआ है। एक क्लिप दिया हुआ है, इसको हम क्लिप ऑन कर लेते हैं, ये आप कॉलर पे शर्ट पे लगा सकते हैं। ये क्लिप को अपन यहाँ फिट करना है, ये नेक पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जस्ट नेक पे इसको लगा दूंगा। ये अच्छा बढ़िया फिटिंग है इसका, फिट हो जाता है। उसके बाद ये 3.5 mm का जैक है, जिसको आप अपने मोबाइल में अच्छे से लगा सकते हैं, और इसकी वायरिंग बहुत लंबी है यार। सबसे अच्छी बात यही लगी कि वायरिंग लंबी है, आप दूर में भी रख के अपना अगर DSLR से रिकॉर्ड करते हो, तो ट्राइपॉड दूर में रखे हो, तो इसको आप आराम से लंबे लंबा कर सकते हो, ये अच्छी बात है। ये जैक पता नहीं किस लिए दिया है, मेरे तो इतना बड़ा जैक मैं देखा ही नहीं कभी, ये जैक इसके अंदर दिया हुआ है एक, हो सकता है किसी चीज़ में लगाने के लिए हो। एक बैटरी दी हुई है, LR44 की बैटरी है ये देखिए। इस बैटरी का काम तभी, हम इस बैटरी को तभी उपयोग करते हैं जब हम DSLR में यूज़ कर रहे हैं, और जब हम स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं तो बैटरी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी बैटरी कहाँ पर फिट होगी ये मैं बताता हूँ आपको। ये आप जो देख रहे हैं कैमरा का, ये इसको, ये ओपन होता है कंपार्टमेंट, इसमें एक ये ओपन हो जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो ये देखिए, ये ओपन हो जाता है, और इसमें बैटरी फिट करने के लिए कंपार्टमेंट दिया हुआ है, ये देखिए। ये अपन यहाँ पर इस बैटरी को फिट कर सकते हैं, तो मेरे को ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ, लैपटॉप से रिकॉर्ड करता नहीं, DSLR से मैं रिकॉर्ड करता नहीं। तो इसको अपन बंद कर देते हैं फिर से, ये मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए यार, ये तो हो गया इसका अनबॉक्सिंग, अब इसको मैं आपको साउंड टेस्ट रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि नॉर्मल फ़ोन से, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे वो नॉर्मल ही बात कर रहा हूँ, इसमें कोई माइक्रोफोन नहीं लगा हुआ है, मैं नॉर्मल कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको आपकी आवाज़ सुना रहा हूँ, तो आपकी देख रहे हो आवाज़ कैसे आ रही है। अब मैं आपको रिकॉर्ड मतलब साउंड रिकॉर्ड मतलब उसको माइक्रोफोन यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड, तो साउंड टेस्ट शुरू करते हैं। अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो विदाउट माइक्रोफोन है। अब आप मैं आपको मैं माइक्रो माइक्रोफोन अटैच करके आपको आवाज़ सुनाता हूँ। ये मैंने माइक्रोफोन को अटैच कर दिया है,
जैक था 3.5 mm का, उसको अपने फ़ोन में डाल दिया है। अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये आवाज़ है बोया बाय M1 माइक का, माइक्रोफोन का। तो कैसा लग रहा है आपको आवाज़? यार मैंने टेस्ट किया था इससे पहले, मेरे को तो बहुत सुंदर लगा। इसका रिव्यू भी मैं अब दे दिया आपको, आप डिसीजन ले सकते हैं लेना है। मेरे को लगता है ले लेना चाहिए यार, ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि मेरे को ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया 830 रुपये पड़ा, कहीं कहीं वो आपको 1200 1250 पड़ता है। तो फ्लिपकार्ट में मैंने जो ऑर्डर किया मेरे को 830 रुपये पड़ा, सही लग रहा है, कोई बुरा नहीं है, है ना। तो आप इसको बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जो नीचे बटन दिख रहा है सब्सक्राइब करना, और घंटे का बटन बिल्कुल दबा देना। चलिए फ्रेंड्स बाय।